हेलो शिया दिस इज माय यूट्यूब चैनल आयुषी की डायरी आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग फ्रेंड्स अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बोरिंग लगता है या समझ में नहीं आता है तो हम एक अलग तरीके से इस न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले हैं इस न्यूज़पेपर में हम लाइन बाय लाइन पढ़कर उसके अर्थ एवं मीनिंग के बारे में जानेंगे तो देर न करते हुए लेटर्स ये रहा आज का न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे टू वुमेन अरेस्टेड फॉर थेफ्ट ऑफ सीसीटीवी कैमरा बैटरीज सीसीटीवी कैमरा की बैटरियां चोरी करने के लिए दो महिलाएं गिरफ्तार की गई चंडीगढ़ टू वुमेन हैव बीन अरेस्टेड फ़ॉर द थेफ्ट ऑफ सिक्सटीन बैटरीज़ और सी सी टी वी कैमराज इंस्टॉल्ड अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों की सोलह बैटरियों की चोरी के लिए दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है द सस्पेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाई एज सीमा एंड हसीना संदिग्धों की पहचान सीमा और हसीना के रूप में की गई है हु आर लोकल रिशीडेंट्स जो स्थानीय निवासी हैं ऑन अ कंप्लेंट ऑफ़ बी ई एल मैनेजर विशाल बी ई एल प्रबंधक विशाल की एक शिकायत पर टू केसेस ऑफ थेफ्ट हैव बीन रजिस्टर्ड एट द पुलिस स्टेशन थाने में चोरी के दो मामले दर्ज किए गए हैं बोथ ऑफ़ दैम वर्ल्ड नैब्ड फ्राम सेक्टर ट्वेंटी फाइव इन दोनों को सेक्टर पच्चीस से दबोचा गया एंड दोलिन बैटरीज़ व रिकवर्ड फ्राम देअर पोजिशन और उनके पास से चोरी की गई बैटरियाँ बरामद की गई आइए अब देखते हैं कुछ कठिन वर्ड्स जो इस न्यूज़पेपर में आए थे थेफ्ट थेफ्ट चोरी टी एच ई एफ टी इंस्टॉल इंस्टॉल मींस लगाना आई एन एस टी ए डबल एल सस्पेक्ट सस्पेक्ट मीन्स संदिग्ध एस यू एस पी ई सी टी रिसिडेंट रिसिडेंट मीन्स निवासी आर ई एस आई डी ई एन टी नैब नैब मीन्स दबोचना एन ए बी रिकवर रिकवर मीन्स बरामद करना आर ई सी ओ वी ई आर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मीन्स परियोजना पी आर ओ जे ई सी टी आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड मीन्स पहचानना आई डी ई एन टी आई एफ आई ई डी कंप्लेंट कंप्लेंट मीन्स शिकायत सी ओ एम पी एल ए आई एन टी रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड मीन्स पंजीकृत आर ई जी आई एस टी ई आर ई डी पजेशन पजेशन मीन्स कब्जा पी ओ डबल एस ई डबल एस आई ओ एन आशा करती हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद